भैरो झांकी निकलती है और उस झांकी में जो मजा आता है सही होली का मजा उसी में होता है। वो डालना हमने भैरो को, चाचू ने कहा जल दे आओ, तो अभी सारे चल रहे हैं आगे जहाँ भैरो वहाँ पर। आगे वाली लाइन बोलेंगे, बोलते ही नहीं है कभी। मैं ऐसे मेरे साथ होता जो मुझे लगता है कभी बोल देंगे लेकिन नहीं बोलते ये। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, ब्लैक कपड़ों से शायद आपको क्या हो गया। क्या सीन है, आज हम जा रहे हैं भैरो देखने। भैरो देखने मीन्स जो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, होली तो एक दिन बाकी जगह मनाई जाती है लेकिन रजौरी में एक हफ्ता पहले मनाई जाती है। और वो सबसे कैसे सही होली, हाँ, और सबसे डिफरेंट, और उस होली का जो मजा वगैरह के बाद सबसे सही रजौरी है, और उस होली का जो मजा होता है वो अलग ही। भैरो झांकी निकलती है और उस झांकी में जो मजा आता है सही होली का मजा उसी में होता है। तो हर साल मतलब 7 दिन पहले ही होली स्टार्ट हो जाती है, तो हर साल निकलती है, आज भी निकलती है। तो आज हम सारे जा रहे हैं, हमारे साथ पारस भी है। पारस क्या हाल है? बढ़िया। सचिन भैया क्या हाल है? बस ठीक हो। बंटी भैया क्या हाल है? ठीक हो। और भैया ठीक हो? तो क्रिश भी है। अजय भैया क्या हाल है? अजय भैया पत्थर उड़ा रहे हैं हमारे उदय भाई। उदय वो ऊपर है, जोर से जोर से मारना, जोर से मारना, जोर से मारना। तो अभी हम चाचू का वेट कर रहे हैं, चाचू आते हैं तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे, जोर से मारना। तो अभी अभी हम जा रहे हैं सिटी, वो जा रहे हैं हम हार लेने। हार जो है वो डालना है हमने भैरो को, चाचू ने कहा जाओ ले आओ। तो ये रहा सिटी का रास्ता, उस साइड वाला ब्रिज बंद है तो हम इस साइड से हैं, अभी जा रहे लेने। क्या बोल रहे हैं? क्या से देख, क्या तू गाइस गाइस करते करते डाली ना छेड़े गाइस गाइस करते बाट रहे था आगे। तो अभी नमस्ते भैया। नमस्ते जी भैया, जा रहे चार लग रहे एंटर हो चुके हैं दारो के पास, उधर उधर हो गए वहाँ पीछे चेक पोस्ट, वहाँ से आगे नहीं जानते थे ना, फिर चाचू ने कॉल की तो अभी हम फिर यहाँ से जा रहे हैं। अब आगे वो सारे वहाँ वेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो अभी हम आ चुके हैं ज्वारगढ़। हमारे साथ मैं राहुल भाई, ये मेरा कॉलेज मेट है शिवा भी। तो अभी सारे चल रहे हैं आगे जहाँ भैरो वहाँ पर। अदनान अदनान हेलो गाइस, आपको पता है भाई मिले दिखा दिए हम सब दिखाया ना। हेलो गाइस, आपको पता है कि मैं कुछ दिन बिजी था, आज वापस आ गया हूँ अपने भाइयों के पास। काफी दिल में खुशी है कि हम भैरो देखने जा रहे हैं सब मिल के भाई। अब हम आगे मिलते हैं, आगे मिलते हैं, ठीक है। Thank you.
साल से आठ दिन जो है पहले निकाली जाती है। वो भैरव देव की जहाँ की जिसकी मान्यता ये है कि रजौरी के अंदर जब यहाँ पे अकाल पड़ चुका था और उस दौरान जो है किसी बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ पे जो है भैरव देव की जहाँ की निकाली जाए और उसी तरह से जो है वो परंपरा के ही वर्षों से जो है यहाँ पे चल रही है, चाहे वो सिटी के अंदर निकाली जाए चाहे वो जवाहर नगर के अंदर निकाली जाए। और बहुत ही धूमधाम से यहाँ के हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे और लोग हैं सभी यहाँ पे आके जो है इस भैरव देव की झांकी को जो है यहाँ पे इसका मनोरंजन अंदर आ चुके हैं। कहाँ बाहर से? मतलब बाहर जहाँ मेन बैरो करती है, अंदर शॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ खाएंगे, कर्मे कहते हैं, कर्मे अब अपनी तरफ से सबको पार्टी दे रहे हैं, सब यहाँ पर है। तो अभी हम समोसा खाएंगे, बाकी भैरव जानकी निकली, सब ने एक एक चिमटा खाया, अनुज ने नहीं खाया बस, बाकी सब ने खाया। फिर उस दिन आपको पता ना क्या हुआ, वो मैं वीडियो डाल दूंगा। इसको पिछली बार उठा के कर उसको पता है अनुज को 10 बंदे इसको उठा के आगे लेके गए, 10 बंदे से पांच बंदे से तो हिलता भी, 6 चिमटे, एक बंदे से कंट्रोल भी नहीं, 6 चिमटे पड़े, 6 चिमटे पड़े थे पिछली बार इसको, और 600 रुपए देके, 600 रुपए देके एक एक चिमटे के 600 रुपए, और 10 बंदे उठा के इसको आगे लेके जा रहे हैं 400 रुपए। आज अजय भाई बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया। अजय भाई क्या सर आपका? अजय भैया, अजय भाई शर्मा, गुजर रहे हो, आपका साइज बहुत बड़ा, नीचे घुस पाओगे। तो बाकी काफ़ी एक एक साल बाद आती है भैरव जंकी और काफ़ी मज़ा आता है, नहीं कर रहे? बिल्कुल जी, बहुत जो है इंटरेस्टिंग रहता है, और रजौरी में जो है ये बहुत प्यार से और बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। हाँ, इसमें हर रिलीजन के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सारे इकट्ठे होके ये होली का त्यौहार बहुत ही शौक से मनाते हैं। तो समोसा खा के ना मज़ा आ गया, क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी और बाहर क्राउड था तभी वहाँ ब्लॉगिंग नहीं कर पाए क्राउड में, और साथ में लोग वहाँ जब भागते ना तो पता नहीं चलता कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं, तो फ़ोन गिर जाता, इसलिए बाहर मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। अभी फिलहाल हमने खाया दो ही समोसे मेरे से, जब हाँ मेरी राय थी कि सबको 5-5 समोसे, ठीक है तो पेमेंट करते अभी कर देते हैं सबके हिस्से में, 5-5 कर देते हैं बस, 10-10 पानी देना। अच्छा खा के प्यास लगी अब? अब देखते हैं आगे का क्या प्लान है। चलो चले, चलो यही प्लान अभी फिलहाल। बनु भाई कैसा लगा आपको पाँव पे चिमटा आगे? दिलवा रहा किसी को दे तो पड़ गया किसी को, कर्मा कर्मा इसको कर्मा बोलते हैं, जैसे मेरे साथ नहीं हुआ था केक वाला टाइम। बानु चल के बता यार पहले। अभी फिलहाल हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, हम आए थे इस पे, हम जाएंगे इस पे। जुगनी है हमारे साथ, बाकी आए थे उस पे वो जाएंगे उस पे। क्या मक्खी गई उधर? तो भैरव देखने के बाद अभी हम आए हैं कुछ खाने, पारस पता नहीं क्या हुआ है थक गया। पारस हौसला रख यार, बस ये हालत मेरी होनी चाहिए। पारस हौसला रख यार, सब ठीक हो जाएगा। पारस भाई टेंशन लेते, रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रोना नहीं, हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे। रो रो के पारस की हालत देखो, पारस इतना मत, पारस इतना मत रो यार। तेरिया तो लगता है यार। तो अभी हमने डिनर कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर। एक स्कूटी पर आए थे तो पहले मेरे को छोड़ेंगे, फिर पारस को छोड़ेंगे, फिर अनुज जाएगा। बाकी काफी मजा किया था, काफी एंजॉयमेंट हुआ, और रात का नाइट व्यू देखिए आप रजौरी का, काफी अच्छा होता है। अब हम चलते हैं घर, तो घर पर अभी अनुज ये क्या कर रहा है? अनुज ये क्या कर रहा है? पारस पेट्रोल पंप एग्जॉस्टेड हो गया था, अभी हम आए पेट्रोल पंप, वो क्यों आए? अभी हम जा रहे थे घर तो हमारे पीछे पीछे अर्जुन भी आ रहा था और हम सुन रहे नहीं थे, वो बाइक पे तेल खत्म हो गया, वो कहता तेल ले रोला, तो बाइक पे तेल खत्म हो गया, अभी हम वही तेल लेने आए हैं, फिर उस पे डालेंगे तो अर्जुन क्या कर रही है, फिर उस पे डालेंगे तो अर्जुन भी घर जाएगा। लो भैया आप चले जाओ फिर यहाँ से,
ठीक है मैं चल जाता उसके। ठीक है अनुज हाँ वो छोटी सी ओके ठीक चलो।